चलो लेट्स गो। आई होप आप सब लोग सेफ हो, घर पर हो। एक रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ। ये एक कॉन्सर्ट साइज उकुलेले है, इसका मैं फुल रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको इसकी फुल डिटेल्स दूंगी, इसकी प्राइस क्या है, साउंड टेस्ट एज वेल एज पैकेजिंग कैसी थी, डिलीवरी कैसी थी, इसकी क्वालिटी कैसी है, बिगनर्स को ये क्या लेना चाहिए या फिर कुछ दूसरे ब्रांड्स पे जाना चाहिए, प्राइस रेंज में ये अच्छा है या फिर वर्थ बाइंग है या नहीं है, तो ये सारे डाउट्स मैं आपकी वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो ये है 23 इंचेस का उकुलेले। इससे पहले मैं इसकी सारी डिटेल्स बताऊँ, मैं पहले वो वीडियो लगाने वाली हूँ जब ये पैकेजिंग थी इसकी फुल, ये डिलीवर हुआ था मेरे पास, किस कंडीशन में डिलीवर हुआ था, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है वो सारे बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखना, लेट्स गो। देखते हैं ये इसकी पैकेजिंग कैसी थी। उस समय मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो को ये कैसे डिलीवर हुआ था एंड इसकी पैकेजिंग वगैरह क्या थी और इसके साथ क्या क्या आया था। तो ये उकुलेले मुझे 3 दिन में ही डिलीवर हो गया था। देखो इसमें एक ये कार्डबोर्ड जैसा लगा था, तो यहाँ मेरे पापा इसका ओपनिंग कर रहे हैं, तो हमने ना इसको पहले सैनिटाइज कर लिया था अच्छे से, इसके ऊपर ये डिटेल्स वगैरह दी हुई थी। इसको हमने पहले बाहर से भी सैनिटाइज़ किया था, फिर इसको ओपन करने के बाद भी अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया था। तो ये एक बॉक्स जैसा था और इसके अंदर बबल रैप में मुझे उकुलेले रिसीव हुआ था, जैसे आप देख रहे हो। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था एंड इसको जब हमने ओपन किया तो बबल रैप में बैग के साथ आया हुआ था। तो जो इसका बैग है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, एक नॉर्मल सा बैग था और इसको भी हमने अच्छे से सैनिटाइज कर दिया था। इसके अंदर जो उकुलेले था वो बबल रैप था एंड पैकेजिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी इसकी, फुल पैकेज था अच्छे से, कोई डैमेज का चांस नहीं था। इसके साथ 2 पिक भी आए हुए थे एंड ये अच्छे से बबल रैप था, पिक थे जो 0.7 mm के थे। उकुलेले कहीं से भी कोई डैमेज नहीं था, मैंने चेक कर लिया था अच्छे से, आप देख सकते हो इसमें अकेला स्ट्रिंग्स हैं और ये अभी ट्यून नहीं था, तो इसको सबसे पहले ट्यून करना पड़ेगा, अनट्यून आता है। तो अभी बस सब लोग ऐसे ट्राई कर करके देख रहे थे कैसे क्या प्ले होता है ये। मैंने सारी जगह से चेक कर लिया था, डैमेज कहीं से नहीं था। ये इसके स्ट्रिंग्स को टाइट करने के लिए था और बेल्ट के लिए भी इसमें यहाँ पर 2 स्क्रूज दिए हुए थे, तो आप बेल्ट खरीद के भी इस पर लगा सकते हो। तो आपको ये उकुलेले ऐसे इस बैग में मिलता है, ठीक है। ये बैग कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये एक ऐसे ही नॉर्मल बैग है। ये आपके उकुलेले को धूल मिट्टी से तो बचा लेगा, बट अगर इस पर धक्का लग जाए या ज़ोर से कहीं पे लग जाए तो वो डैमेज हो सकता है। तो ये बैग एक नॉर्मल सा बैग है, यहाँ से आपको ऐसे पकड़ने के लिए दिया हुआ है और पीछे भी आप इसको टांग सकते हो, ठीक है। तो ये बैग कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट इसकी जो प्राइस है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कितने प्राइस का है ये उकुलेले, उस हिसाब से अगर बैग मिल रहा है तो फिर ठीक है, जिस भी क्वालिटी का मिल रहा है। तो इसमें ये ज़िपर दी हुई है, मैंने इसको ओपन किया तो ये हमारा उकुलेले मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके साथ हमको 2 पिक भी मिलते हैं, तो 0.7 mm के 2 पिक भी मिलते हैं। हमेशा उकुलेले को बजाने से पहले इसको ट्यून करना पड़ता है, तो ट्यूनिंग की वीडियो में मैं जल्दी ले आऊँगी, अदरवाइज़ आप देख सकते हो दूसरी वीडियोस भी। ट्यूनिंग के लिए भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो साइज़ है, ये 23 इंचेस साइज़ का उकुलेले है। इसका जो ब्रांडिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो,
जुआ रेस करके इसका जो नेम है ये इसकी ब्रांडिंग है। इसकी जो लुक है वो बहुत ही सुंदर है। इतने प्राइस रेंज में मुझे ये लुक बहुत ही सुंदर लगा है। पीछे से भी बहुत सुंदर इसकी जो वुड फिनिश है वो मुझे अच्छी लगी। क्लोज से देखोगे तो ये क्लासिक लुक आता है एकदम। साउंड होल के पास थोड़ा डिज़ाइन वगैरह दिया हुआ है। इसमें बेल्ट के लिए भी ये स्क्रूज दिए हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल लुक बहुत ही सुंदर है, मुझे इसका लुक बहुत पसंद है इतने कम प्राइस रेंज में। ट्यूनिंग के लिए भी ये पीछे दिया हुआ है, तो ओवरऑल लुक्स को तो मैं पूरे मार्क्स दूंगी। इतने प्राइस रेंज में लुक्स बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरी तरह एक बिगनर है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी डील होगी इतने प्राइस रेंज में एक सुंदर सा उकुलेले बाय करने के लिए। और इसका साइज़ भी कॉन्सर्ट साइज़। अब मैं इसका क्लोज लुक आपको बताने वाली हूँ और इसके बारे में बताने वाली हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका लुक बहुत ही सुंदर है, एकदम क्लासिक लुक है। आगे से भी पीछे से भी मस्त वुडन वाली फिनिश्ड है। तो अब मैं बता देती हूँ ये कौन से वुड वगैरह का बना हुआ है। तो जो इसकी बॉडी है वो सेपेले वुड की बनी हुई बॉडी है। अगर आप साउंड होल के पास देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी छोटी सी डिज़ाइन दी गई है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अंदर की तरफ ब्रांड का नेम है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिज़ाइंड इन इंडिया इस पर लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि ये इंडिया में डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट जो ब्रिज है इसका, ये रोज़ वुड से बना हुआ है। एज वेल एज जो फिंगर बोर्ड है ये भी रोज़ वुड का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ ऊपर की तरफ ब्रांड का नेम जुआरेस सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। यहीं पे आपको स्ट्रिंग टाइट करने के लिए मिल जाएगा। साइड वाइज लुक भी बहुत ही सुंदर है। और जो इसकी स्ट्रिंग्स हैं वो मैं बता देती हूँ, इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो अकीला की नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं। मैं इनको प्ले करके भी दिखाती हूँ। तो ट्यूनिंग के बाद ये अच्छा साउंड करता है बहुत। पीछे से भी अच्छा लुक है इसका। पीछे जो बॉडी है वो सेपेले वुड की है। जो उसकी नेक है वो ओकियम वुड की बना हुआ है। पीछे आपको ये ट्यून करने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पर ये देखिए बेल्ट के लिए भी स्क्रूज दिए गए हैं, यहाँ पे आप बेल्ट भी लगा सकते हो। ओवरऑल इसका लुक बहुत ही सुंदर है। बहुत कम प्राइस रेंज में इतना अच्छा लुक कम मिलता है। लुक वाइज बहुत ही सुंदर है। सब तारीफ के बाद बट मुझे एक डिफेक्ट ये था कि जो इसका ये बोर्ड था यहाँ पर मुझे ना हल्की हल्की फंगस टाइप दिखी। तो मुझे लगा ये मुझे आपको बताना चाहिए कि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाइट वाइट कलर की फंगस जैसा कुछ लगा हुआ था और धूल भी बहुत थी। इसका बैक क्लीन था बट इसका जो बोर्ड था वो थोड़ा धूल भरा हुआ था, हल्की हल्की धूल थी। तो मैंने इसको पहले अच्छे से सैनिटाइज किया था और अच्छे से क्लीन किया था। और थीम ट्यूनिंग करने से पहले ये पूरे वायर्स इसके पूरे ढीले हुए पड़े थे। तो मैं तो बिगनर थी तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। मेरा फर्स्ट यूके ले ले है, पूरे स्ट्रिंग्स इसके ढीले थे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके इसको अच्छे से ट्यून किया। अभी मैं बताने वाली हूँ ये मैंने बाय कहाँ से किया है, इसकी प्राइस क्या है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। डिलीवरी मुझे 3 दिन में मिल गई थी। एंड इसकी जो प्राइस है वो 2,300 रुपीज़ है, जो कि आगे पीछे होती रहती है। तो आप इसको अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ कहीं पर दे दूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बिगनर्स के लिए ये एकदम अच्छा है इस प्राइस रेंज में। इसकी साउंड क्वालिटी अभी हम टेस्ट करते हैं। तो बिगनर और आपको भी उकुलेले सीखना है तो इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट उकुलेले कह सकते हैं बिगनर्स के लिए। लिया है तो मैंने YouTube पर हर जगह ऑनलाइन रिसर्च कर ली, पूरी अच्छे से सारी वीडियोस देख ली। तो मैंने एक चैनल है ऊख बजाओ, तो उस चैनल का रिव्यू देखा और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये मस्ट बाय है मेरे लिए, क्योंकि एज अ बिगनर मुझे कम रेंज में ही चाहिए था एक उकुलेले। तो मैंने उनका रिव्यू देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तभी मैंने ये बाय किया है। और ये आने के बाद भी अभी मैं कुछ दिनों से सीख रही हूँ थोड़ा बहुत, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। और ऊक बजाओ पे उनका एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें उकुलेले की पाठशाला करके उनके हैं बहुत सारे लेसन्स जो मैंने सारे कवर किए हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिग शाउट आउट टू हिम क्योंकि उनके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्टार्टिंग बेसिक कैसे सीखना है। थैंक यू फॉर मेकिंग द वीडियो, लिंक मैं दे दूँगी। तो ये उकुलेले मैंने YouTube पे पूरी रिसर्च करके सारे वीडियोस देख के एक दो महीने आराम से देखे तब मुझे ये मिला। अच्छे प्राइस रेंज में था, सस्ता था, तो मैंने ये ख़रीद लिया। एज अ बिगनर मुझे ये अच्छा लगा है काफ़ी। और कुछ सॉन्ग्स मैं प्ले कर लेती हूँ जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो ये अच्छी डील है। आप इस अभी हम इसका एक साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसको प्ले करो तो आपको इसको ट्यून में करना ज़रूरी है। देखिए सी कॉर्ड, जितना मैंने सीखा है मैं उतना आपको प्ले करके दिखाने वाली हूँ। फिर कुछ मैं स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने सीखा है सबसे सिंपल वाला वो प्ले करके दिखाती हूँ। आप इससे इसकी साउंड टेस्ट चेक कर सकते हो कि इसका साउंड कैसा है। चलो लेट्स गो। कुछ और आपको स्ट्रमिंग पैटर्न जो मुझे आते हैं वो मैं प्ले करके दिखाती हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट जज मी, आई एम अ बिगनर। मैंने अभी कुछ समय पहले ही, एक महीना हुआ है तब से मैंने इसको लर्न करना स्टार्ट किया है, वो भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही सीखा है। तो मैं बीच बीच में बेसुरी हो जाऊँगी, तो प्लीज़ आप उसको जज मत करिए। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ डू नॉट जज मी, थैंक यू। कोई ऐसा गीत गाओ के आरज़ू जगाओ अगर तुमको, तुमको बुलाओ या पल के बिछाओ, तुमको बुलाओ या पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमीन को आसमां बिछाओ, सितारों से सजाओ अगर तुम। बिगनर मुझे ये बहुत ही पसंद है। इस प्राइस रेंज में इसकी प्राइस जो मुझे मिली थी वो 2280 रुपीस थी उस समय। तो आप इसको अमेज़न पे चेक कर सकते हैं, 2300 2200, इसकी प्राइस रेंज ऊपर नीचे होती रहती है। सेल पे ख़रीदोगे तो 2200 का मिल जाएगा, ऑफ सीज़न या ऑफ सेल ख़रीदोगे तो 2300 और 400 भी मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट बाय है, एक मस्ट बाय है फॉर अ बिगिनर। तो आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ख़रीदना हो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।